नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट जन की। तो बस आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस टीम के पास सबसे बेस्ट स्पिनिंग बॉलिंग अटैकिंग टीम है, यानी कि कौन सी ऐसी टीम है जिसके पास सबसे बेस्ट स्पिनिंग बॉलिंग टीम है। यानी कि आज इस वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो आप लोग वीडियो को अभी कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर बहुत सारी ऐसी रिलेटेड वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप लोग जाकर के उन्हें भी देख सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है इससे भी ज्यादा। सो गाइस, चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। सो गाइस, जो नंबर 10 पे जो टीम आती है उनका नाम है सनराइजिंग हैदराबाद। अगर जो हम लोग सनराइजिंग हैदराबाद के बारे में बात करें, तो यहाँ पर मेगा ऑप्शन में आई डोंट नो कि अब उन्होंने अब की बार क्या करा, उन्होंने यहाँ पर स्पिनर्स पे जरा सा भी ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने बस एक लेग स्पिनर चुना है जिनका नाम है श्रेयस गोपाल। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत यह है, यहाँ पर ऑलराउंडर की वजह से इसलिए इनके प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती, यानी कि यहाँ पर इनके पास एक ही अच्छा स्पिनर है जिनका नाम है वॉशिंगटन सुंदर। यानी कि यहाँ पर बस एक ही टीम के ऊपर पूरी टीम डिपेंड है, मतलब एक ही खिलाड़ी के ऊपर पूरी टीम डिपेंड है, और यहाँ पर दूसरा जो प्लेयर है अभिषेक शर्मा, उनके ऊपर यहाँ पर ये स्पिनिंग चलने वाली है। यानी कि अगर जो हम लोग सिंपल भाषा में कहें, सनराइजिंग हैदराबाद अब की बार स्पिनिंग के मामले में थोड़ी हल्की पड़ने वाली है। अगर जो सनराइजिंग हैदराबाद के स्पिनर्स की बात करें, तो यहाँ पर स्पिनर्स में आते हैं श्रेयस गोपाल, वॉशिंगटन सुंदर, अभिषेक शर्मा एंड जगदीश सुचिता। यानी कि यहाँ पर बहुत ही कम स्पिनर्स हैं। सो गाइस, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टीम के ऊपर। नंबर 9 पे जो हमारी टीम आती है उनका नाम है मुंबई इंडियंस। सो मुंबई इंडियंस को यहाँ पर ईशान किशन को भी खरीदना था, और जोफ्रा आर्चर को, और टिम डेविड के लिए भी उन्होंने पैसे बचा करके रखे थे, तो इस वजह से यहाँ पर उन्होंने स्पिनर के ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने अदर प्लेयर्स के ऊपर यहाँ पर पैसे खर्च करे, तो इसी कारण यहाँ पर जो मुंबई इंडियंस है स्पिनर्स के मामले में थोड़ा सा लैग हो गई, क्योंकि मतलब थोड़ा सा नंबर 9 पर आ गई। अगर जो यहाँ पर स्पिनर्स के ऊपर भी अच्छे खासे पैसे लगा देती थी, तो यानी मुंबई इंडियंस सबसे पावरफुल टीम बन जाती IPL की। अगर जो मुंबई इंडियंस के स्पिनर्स की बात करें, तो यहाँ पर मुंबई इंडियंस के स्पिनर्स में आ जाते हैं मुर्गन अश्विन, मयंक मार्कंडे, फैरबिन एलेन एंड तिलक वर्मा। यहाँ पर अगर जो स्पिनर्स की थोड़ी बहुत बात करें, तो यहाँ पर जितनी स्पिनर्स है काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस स्पिनर्स नहीं है। मुर्गन मार्कंडे एंड मयंक मार्कंडे जो है काफ़ी लंबे समय से मतलब IPL को में खेलते ही नहीं है, बहुत ही कम खेलते हैं, उन्हें मौका कम मिलता है, और तिलक वर्मा को थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस है, इस वजह से यहाँ पर स्पिनिंग के मामले में ये टीम थोड़ी सी पीछे है। तो गाइस, चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टीम के ऊपर। नंबर 8 पे जो हमारी टीम आती है उनका नाम है चेन्नई सुपर किंग्स। अगर जो इस टीम की बात करें, तो यहां पर इस साल तो चेन्नई ने एक भी लेग स्पिनर के ऊपर आंख उठा करके देखा ही नहीं। लेकिन यहाँ जो मैच हो रहा है, यहाँ पर वानखेड़े के मुंबई में स्टेडियम में हो रहा है, तो यानी कि थोड़ा बहुत यहाँ पर बॉलर्स जो स्पिनर्स हैं यहाँ पर उन्हें मतलब थोड़ा सा एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर MS धोनी जिस हिसाब से अपने स्पिनर्स को चलाते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से निकाल लेते हैं। सो मे बी हो सकता है यहाँ पर पिच की वजह से चेन्नई सुपर किंग्स इस बात से थोड़ा सा बच के निकल जाए। चेन्नई के बॉलर्स की स्पिनर्स की बात करें, तो यहाँ पर आते हैं मोइन अली, रविंद्र जडेजा, मिचेल स्टार्डर एंड महेश त्रिकेशन। तो यानी कि ये जो बॉलर्स है काफ़ी अच्छे स्पिनर एक्सपीरियंस स्पिनर्स नहीं है, इस वजह से थोड़ी सी ये टीम हल्की सी पीछे है, पर फिर भी ये टीम इन स्पिनर्स से काम चला सकते हैं, जिस हिसाब से इन्होंने पिछले साल अपना काम चलाया था, शुरुआती मैच मुंबई में होते, उसके बाद UAE में होते, तो उन्होंने वहां पर भी अच्छे तरीके से MS धोनी ने इनसे काम चला लिया था, तो मे भी हो सकता है ये अब की बार भी अच्छा खासा काम चला ले, इस वजह से यही टीम 8वें नंबर पे है। तो बात करते हैं अपनी अगली टीम के ऊपर। नंबर 7 पर जो हमारी टीम आती है उनका नाम है पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स ने यहाँ पर बैटिंग के मामले में बहुत ही तगड़ा काम करा, लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्यों स्पिनिंग के मामले में इन्होंने अपना थोड़ा सा पीछे रह गए, मानो जैसे वे स्पिनर्स को खरीदना ही भूल गए। इस हिसाब से इनका जो फर्स्ट प्लेइंग 11 का जो स्पिनर्स है वो ठीक ठाक है, लेकिन इनके पास बैकअप उतना तगड़ा बैकअप नहीं है, अच्छा बैकअप नहीं है स्पिनिंग के मामले में। और इसी के साथ अगर जो पंजाब किंग्स के यहाँ पर स्पिनर्स को बात करें, तो यहाँ पर सिर्फ केवल 3 स्पिनर्स हैं जिनका नाम है राहुल चहर, हरप्रीत बुमराह और लिवाम लिविंगस्टन, जो कि ठीक ठाक है, मतलब अगर जो देखा जाए तो यहाँ पर एक्सपीरियंस के मामले में काफ़ी अच्छे हैं, पर लेकिन बैकअप ना होने के कारण ये टीम 7वें नंबर पे है, इस कारण हम लोगों ने इस टीम को जो है 7वें नंबर पे लगता है। अगर जो आप लोगों को लगता है यार ये टीम थोड़ा सा इस मामले में आ गया, या फिर आप लोगों को कुछ मतलब ओपिनियन होते हैं हर किसी बंदे के अपने, आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं यहाँ पर
अब बात करते हैं नंबर छठे टीम यानी सिक्स्थ नंबर पे हमारी टीम आती है, उनका नाम है दिल्ली कैपिटल्स। अगर जो पिछले साल की बात करें, इससे पहले सालों की, पिछले सीजनों की बात करें, तो यहाँ पर दिल्ली की टीम भाई सबसे तगड़ी टीम होती थी स्पिनिंग के मामले में, सबसे ज्यादा खतरनाक स्पिनर्स होते थे दिल्ली की टीम में। लेकिन अब की बार यहाँ पर अक्षर पटेल को छोड़कर उनके पास कोई बचा ही नहीं है, यहाँ पर सारे स्पिनर्स को मेगा ऑप्शन में ले लिया गया है। इसी कारण यहाँ पर ये दिल्ली की टीम थोड़ी सी पीछे रह गई। यहाँ पर जो ठीक ठाक है, मतलब यहाँ पर जो बैकअप है इनके पास ठीक ठाक है, अच्छा खासा मतलब एक बैकअप है इनके पास। अगर जो यहाँ पर इनके स्पिनर्स की बात करें तो वो आते हैं अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, ललित यादव एंड प्रवीण दुबे। देखा जाए ओवरऑल एक मतलब ठीक सी टीम नजर आ रही है। देखो मतलब कहने का कुछ वैसा सेंस नहीं है, पर यहाँ पर जो एक्सपीरियंस कहते हैं वो थोड़ा सा हल्का है और बैकअप थोड़ा सा हल्का है। बस इसी मामले में यहाँ पर अक्षर पटेल यहाँ पर गेम जिता सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी ये टीम हल्की सी मार खा गई है अब की बार, इस वजह से ये टीम हमारी ओपिनियन में छठे नंबर पे आती है। आप लोगों को क्या लगता है ये टीम किस नंबर पे आनी चाहिए, कमेंट जरूर करें। नंबर फिफ्थ पे जो टीम आती है उनका नाम है रॉयल चैलेंजिंग बैंगलोर। रॉयल चैलेंजिंग बैंगलोर ने यहाँ पर वरिंदु हसरंगा पे काफी ज्यादा पैसे खर्च करे, यानी कि 11 करोड़ खर्च करके उन्हें अपनी टीम में लिया, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। और यहाँ पर बात करें बैकअप की, तो उन्होंने बैकअप के मामले में करण शर्मा को लिया, जो कि मतलब पर्सनली सभी बंदों को पसंद आया कि मतलब उन्होंने बैकअप बहुत अच्छा रखा और यहाँ पर मेन स्पिनर बहुत अच्छा रखा, क्योंकि करण शर्मा एक टाइम पे लेग स्पिनर के मामले में बहुत अच्छे थे। लेकिन यहाँ पर करण शर्मा का धीरे धीरे फॉर्म थोड़ा सा डाउन हो गया है आज के मामले में, लेकिन यहाँ पर क्वालिटी एकदम खत्म नहीं हुई उनकी, मतलब थोड़ी सी परफॉर्मेंस भले ही कम हो गई हो उस बात को तो कोई बात नहीं, बट फिर भी करण शर्मा काफी अच्छा बैकअप है और वरिंदु हसरंगा काफी ही प्यारा ऑप्शन है फॉर एज ए स्पिनर। अगर जो यहाँ पर रॉयल चैलेंजिंग बैंगलोर की स्पिनिंग के मामले में यहाँ पर टीम की बात करें, तो यहाँ पर आते हैं वनिंदु हसरंगा, करण शर्मा, सहबाज अहमद, जो कि ही काफ़ी ही अच्छी टीम है, मतलब हम लोगों को उस हिसाब से बहुत अच्छी टीम लग रही है, इसी वजह से हमने इस टीम को पांचवें नंबर पर रखा है। आप लोगों को लगता है ये टीम किस नंबर पर होनी चाहिए थी? नंबर चार पे जो हमारी टीम आती है इस साल की नई नवेली टीम, जिनका नाम है लखनऊ सुपर जायंट। यहाँ पर भाई साहब क्या ही कहें, इनके पास भाई वेराइटी ऑफ स्पिनर्स बहुत हैं और यहाँ पर एक्सपीरियंस प्लेयर बहुत है और बहुत तगड़ा बैकअप है, यानी कि भाई लखनऊ सुपर जायंट इज वन ऑफ द बेस्ट टीम फॉर एज ए स्पिनर्स। यहाँ पर बहुत अच्छा इन्होंने स्पिनर का बैकअप ले रखा है, वैरायटी ऑफ प्लेयर्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। अगर जो इनके स्पिनिंग ऑप्शंस की बात करें, तो यहाँ पर जो है रवि बिश्नोई, के गौतम, सहबाज नदीम, कुणाल पांडे, दीपक हुड्डा, यहाँ पर जो मतलब स्पिनर्स है ना, एक ऑलराउंडर स्पिनर्स है, इस वजह से ना वे प्लेइंग 11 में भी फिट हो जाते हैं और एज ए स्पिनर स्पिनिंग में मामले में बहुत अच्छे हो जाते हैं। इस वजह से इस टीम को हम लोगों ने चौथे नंबर पर रखा, मतलब जो कि मुझे पर्सनली, मैं खुद पर्सनली भी बता रहा हूं, मुझे ये टीम का लगता है भाई इसे फर्स्ट पर रखना चाहिए, बट हमने फर्स्ट पर किस वजह से नहीं रखा उस वीडियो, उसका कारण हम आगे अगली टीमों के बारे में बताएंगे। अगली जो हमारी नंबर तीन पर टीम निकल के आती है उनका नाम है राजस्थान रॉयल्स। भाई क्या ही टीम बनाई है अब की बार इन्होंने स्पिनिंग के मामले में, मतलब वैरायटी ऑफ स्पिनर्स में अच्छे बन रखे हैं, यहाँ पर ऑलराउंडर्स है बहुत ही मतलब, और सबसे बड़ी बात ना यहाँ जो स्पिनर्स है भाई IPL के बेस्ट स्पिनर्स इन्होंने अपनी टीम में लिए हैं, जिनका नाम है रवि अश्विन, युजवेंद्र चहल एंड KC सिरियप्पा। यहाँ पर ये जो स्पिनर्स है मतलब IPL के बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस स्पिनर्स हैं, के मामले में भी ये थोड़ा बहुत फिट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर प्लेइंग 11 में इनकी जगह पक्की होती हुई नजर आ रही है। और ये अब तक की मुझे जो है मतलब अच्छी टीम लगती है बहुत ही ज्यादा राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि मतलब जिस हिसाब से इन्होंने अपनी टीम में स्पिनर्स भरे भाई मजा आ गया देख करके। अगर जो आप लोगों को भी ये चीज देख करके मजा आया भाई, लाइक का बटन दबा दो अभी के अभी। नंबर टू पे जो हमारी टीम निकल के आती है उनका नाम है गुजरात टाइटंस। यहाँ पर इस साल की भाई नई टीम है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता था इन्हें प्लेइंग 11 बनाने में, इस कारण थोड़ा सा इन्हें थोड़ी बहुत प्लेइंग 11 बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हुई। लेकिन यहाँ पर जो स्पिनिंग के मामले में राशिद खान ने इनकी टीम में एंट्री ली है, जिस टीम में राशिद खान आ जाता है वो स्पिनिंग के मामले में बेस्ट प्लेस में आई जाती है ऑटोमेटिकली। यहाँ पर राशिद खान काफी अच्छे बॉलर है, वैरायटी ऑफ बॉलर्स भाई इनकी टीम में कमी नहीं है, मतलब वैरायटी ऑफ स्पिनर्स की बहुत ही ज्यादा अच्छी भर रखे हैं उन्होंने, लेग लेफ्ट लेग आर मतलब हर तरह के स्पिनर भर रखे हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत की बात ये है, ये हर तरह के स्पिनर को प्लेइंग 11 में नहीं रख सकते, सो यहाँ पर मे बी राशिद खान के साथ नूर अहमद हमें स्पिनिंग करते हुए नजर आए। अगर जो हम ओवरऑल गुजरात टाइटन की स्पिनिंग अटैक के मामले में, स्पिनिंग लिस्ट के मामले में बात करें, तो यहाँ पर आ जाते हैं राशिद खान के साथ नूर अहमद, जयंत यादव, आर साई किशोर एंड राहुल तिवटिया, यानी कि बहुत ही अच्छी हम लोगों को टीम लगी है, जो कि अच्छी मतलब
बनाई है इन्होंने, तो मतलब तुम क्या ही कहो इस वाली टीम के स्पिनिंग के मामले में, जो कि मैं काफी ज्यादा खुद पर्सनली एक्साइटेड हूँ इस टीम को देखने के लिए। अब की बार मतलब हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर है इस वाली टीम में, तो मतलब मैं तो पर्सनली खूब ज्यादा एक्साइटेड हूँ गुजरात टाइटन को देखने के लिए। अगर जो आप लोग भी एक्साइटेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नंबर वन पे जो हमारी टीम निकल के आती है उनका नाम है कोलकाता नाइट राइडर्स। पिछले साल केकेआर ने साबित कर दिया था कि भाई उनके पास स्पिनर्स की कोई कमी नहीं है, और उन्हें इस साल का भी पता था कि यहाँ पर मुंबई में वन खड़े जैसे स्टेडियम्स में यहाँ पर मैच होने वाला है, उस हिसाब से इन्होंने बहुत ही अच्छी स्पिनिंग टीम बनाई है अपनी। इसके लिए इन्होंने काफी फास्ट बॉलिंग टीम बना रखी है इन्होंने। अगर जो इनकी टीम की बात करें यहाँ पर कौन कौन इनकी टीम में आता है, तो हम लोग केकेआर के स्पिनर्स की बात करते हुए हम लोग आ जाते हैं सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद नैबी, काफी ही अच्छे और तगड़े बॉलर्स है भाई, कोई कमी ही नहीं है। फास्ट बॉलर के मामले में बहुत अच्छे, स्पिनिंग में भाई हर मतलब कहते हैं एवरीथिंग इज परफेक्ट, वो वाली टीम ये है केकेआर। हर तरीके से यहाँ पर परफेक्ट है, वैरायटी ऑफ बॉलर्स, हर तरह की चीज यहाँ पर परफेक्ट बैठ रही है, इस वजह से इस टीम को हम लोगों ने नंबर वन पे रखा है। हमारी तो लिस्ट आप साबित कर दी, अब जाने से पहले आप लोगों को ना एक छोटा सा काम है, आप लोगों को अपनी खुद की लिस्ट बनानी है और चैनल के नीचे कमेंट करके बता देना है कि आप लोगों की खुद की पर्सनल लिस्ट क्या है। जिस बंदे की सबसे अच्छी लिस्ट होगी भाई उस बंदे को हमारी तरफ से एक लाइक मिलेगा। तो गाइज जाने से पहले एक और छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को कर देना लाइक सब्सक्राइब, एंड तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, एंड आईपीएल देखते रहो और हमें भी दिखाते रहो, ठीक है, बाय बाय।